माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और uh, जैसे कि आपको पता है कि uh, एक तो वायरस चल रहा है सेकंड कराची में जो इंसिडेंस हुआ है तो उसकी वजह से सारी कौम में हम सब में एक गम की जो लहर है वो है ऑफ कोर्स बट फिर भी हमें चाहिए कि ये जो खुशी का दिन है ईद का दिन है हम इसे मनाने में उसके साथ साथ हम उन सब को दुआओं में याद रखें अल्लाह पाक उन सब की मफफ़रत करे और उन सब के जो लवाहकिन हैं उनको सबको सब्र तहमलता करे तो यहाँ मैं आपको अपने ईद के ड्रेसिस दिखा रही थी तो सबसे पहले मैं आपको ये जो ड्रेस दिखा रही हूँ दैट्स प्लम कलर ड्रेस विद डल gold embroidery and uh, with red piping. तो ये बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस है अभी मैं आपको दिखा तो रही हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि मैं ये पहन सकूँगी या नहीं देन सेकेंड uh, जो ड्रेस है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट सा ड्रेस है हेवी uh, एम्ब्रॉडरी है बट अ बिट लाउड नहीं है मतलब ईद के लिहाज से ये बहुत परफेक्ट है और मुझे ये बहुत ही पसंद भी है ड्रेस एंड uh, मुझे लग रहा है कि मैं ये पहनूंगी वैसे तो वेदर पे डिपेंड करता है आपको पता है यहाँ का वेदर कितना इतना अनसर्टन है कि मैं रेशमी ड्रेस पहन सकूँगी या जो है लॉन के कपड़े पहने जाएंगे डिपेंड करता है सब कुछ वेदर पे बट मुझे लग रहा है कि मैं यही ड्रेस पहन लूँ अच्छा लगेगा आप भी मुझे आइडिया दें कि मैं किस कलर का ड्रेस पहनूँ कौन सा ड्रेस पहनूँ तो देन आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही एलिगेंट सा एम्ब्रॉयड्री ड्रेस है और ये है कुर्ता स्टाइल में ग्रे कलर का ब्लैक और वाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ और इसके साथ ब्लैक ट्राउजर है और ब्लैक ही दो है आप देख सकते हैं इसके चौक पे एक बहुत ही खूबसूरत सी एलिगेंट सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और स्लीवस पे भी बट इट्स ऑन लॉन और डोरी लॉन जो स्टफ़ है वो है तो ये प्रॉपर गर्मी में ही पहना जाएगा लेट्स सी हाउ इज़ द वैदर ऑन ईद तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कौन सा ड्रेस मैंने चूज़ किया था कोकोनट ऑयल है वो बेस्ट 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 क्लिनजर है आप किसी भी फेशियल में क्लिनजिंग से पहले इफ़ आपकी स्किन अगर ड्राई है मेरी स्किन क्योंकि आजकल ड्राई हुई हुई है तो मैं इसको यूज़ करूँगी फॉर क्लिनजिंग पर्पजेज तो ताकि जो है कोई भी ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाए आफ्टर दैट कोई भी लाइक हल्की पुल्की आई टोल्ड यू इन माय लास्ट में लॉक के मुझे एक्नी एक्नी का भी प्रॉब्लम लग रहा है तो वो भी इससे काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके अलावा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो तो उसका इशू भी बहुत जल जो है वो इससे कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत बहुत बेस्ट है उसके लिए भी तो मैं क्लिनजिंग सबसे पहले करूँगी कोकोनट ऑयल के साथ देन ब्लीच जो है वो यूज़ कर लूँगी कोई भी ब्लीच क्रीम यूज़ कर सकते हैं मोस्टली यहाँ पे मुझे यही पसंद आई है मैंने दो तीन बार पहले भी यूज़ किया अराउंड लास्ट ईयर भी ईद पे ही की थी और वो थोड़ी सी यूज़ हुई थी आफ्टर दैट वो वेस्ट हो गई थी मैं मोस्टली नहीं यूज करती बट थोड़ी सी आई uh, वॉन्ट के स्किन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वन दैट्स जोलन जोलन क्रीम ब्रिज पाकिस्तान में भी ये मिलती है जोलन बट पाकिस्तान में मैं क्यूने की यूज़ कर रही थी बहुत ज़बरदस्त है क्यूँ की उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है डमा का अर्जेंट फेशियल बेसिकली ये जो है आ, स्क्रब टाइप है इसका जो टेक्सचर है वो स्क्रबिंग सा है और जस्ट मैं इसको भी यूज़ कर लूँ सिर्फ इसको यूज़ कर लूँ तो स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है एकदम करें तो इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर लूँगी मैं फेस पे और सेम ही इसी ब्रांड की डर्मा की हैंड एंड फुट स्क्रब भी है मेरे पास तो मैं हैंड एंड फुट का भी एक बार मसाज कर लूँगी स्क्रब के साथ और जो हैंड एंड फुट हैं हाथ पाँव भी एकदम से जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे सॉफ़्ट हो जाएंगे तो मैं इससे कर लूँगी मसाज हाथ एंड हाथ और पाँव का भी आप तकरीबन तो पाँच से दस मिनट या मैक्सिमम दस मिनट भी आप मसाज करें और उससे पहले अगर आप हाथ और पाँव टेन मिनट्स के लिए नींद गर्म पानी में शैम्पू थोड़ा सा डाल के और साथ में लेमन डाल के आप थोड़ा सा डिप कर लें पाऊँ तो यकीन माने आपको एक तो बहुत सुकून मिलेगा मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे आपकी सारे दिन की थकावट उतर जाएगी आफ्टर दैट आप ये जो है स्क्रब ये यूज कर लें तो जितनी भी डेड स्किन कुछ भी होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगी पाँव एकदम हाथ पाओ इनफैक्ट हाथ भी पाँव भी एकदम से साफ सुथरे हो जाएंगे तो ये भी मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ ये और ये जो सेकेंड वन फेशियल है ये फेस के लिए है और ये जो है ये हैंड एंड फुट स्क्रब है आफ्टर दैट uh, एक ये भी स्क्रब है मेरे पास निविया का कभी कभी ये यूज़ कर लेती हूँ और समटाइम जो है ये वाला यूज़ कर लेती हूँ आफ्टर दैट ये जो मेरा फेशियल हो जाएगा ऑलमोस्ट क्लिनिंग भी हो जाएगी और आपकी uh, जो है वो ब्लीच uh, भी हो जाएगी एंड देन स्क्रबिंग भी हो जाएगी इनके साथ आफ्टर दैट जो है वो एंड पे मास्क रह जाएगा टोनर रह जाएगा उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ लाइक like, uh, मैं बेसिकली सिर्फ जो है टमाटर जो है मैं उसी को फेस पे यूज कर लूंगी उसी को जो जूस है वो फेस पे लगा लूँगी एज अ टोनर एट द एंड एट द मास्क एट द एंड तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कर रही हूँ पैकिंग तो जी पैकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम जा रहे हैं ईद सेलिब्रेट करने आउट ऑफ सिटी तो हम कहाँ जा रहे हैं और मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ तो ये मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी अगर आप भी देखना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून ऑन माई चैनल तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमने वहाँ पर क्या क्या किया और ईद कैसे सेलिब्रेट की तो यहाँ पैकिंग डन हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो तो यहाँ गाड़ी में सारा सामान रख दिया है और बैग भी और कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं लेके जा रही हूँ तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप जरूर साथ रहिएगा तो अभी हम कर रहे हैं अपना सफर स्टार्ट तो ये था मेरा आज का व्लॉग और अभी हम सफ़र स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो सबको दुआओं में ज़रूर याद रखें ये ईद थोड़ी ट्रैजिक सी गुजर रही है सबकी तो ज़रूर सबको दुआओं में याद रखें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक केयर अल्लाह हाफिज़